हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल मोली यम्मी केक्स एंड मच मोर। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ केसर पिस्ता नान खटाई। सो व्हाट वी आर वेटिंग फॉर, लेट्स स्टार्ट। 150 ग्राम्स ऑफ मैदा, 30 ग्राम्स ऑफ सूजी, 50 ग्राम्स ऑफ मिल्क पाउडर, 80 ग्राम्स ऑफ आइसिंग शुगर, 20 grams of custard powder. Here I have taken kesar pista flavor because I am making kesar pista only. If you want to make another flavor, you can take accordingly. 1/4 TSP baking soda, a pinch of salt and some amount of finely chopped pistachio. So friends, मैंने ये 100 grams of butter लिया है और इसमें मैं 80 grams of icing sugar mix करूँगी। फिर विद द हेल्प ऑफ अ बीटर हमें इसे अच्छी तरह से बीट करना होगा। सो फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट बीट करने के बाद ये हमारा बटर और आइसिंग शुगर का मिक्सचर देखिए कितना फ्लफी हो चुका है। अब मैं इसमें मिक्स करने वाली हूँ 150 ग्राम्स ऑफ मैदा, 30 ग्राम्स ऑफ सूजी, 50 ग्राम्स ऑफ मिल्क पाउडर, 20 ग्राम्स ऑफ कस्टर्ड पाउडर, हियर आई हैव टेकन केसर पिस्ता फ्लेवर, सम फाइनली चॉप्ड पिस्टाचियोस, अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड एट लास्ट 1/4 टीएसपी बेकिंग सोडा। एंड अब इसे हम अच्छी तरीके से स्पैचुला की हेल्प से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, ये मिक्स करने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। अब इसमें हम 1-2 टीएसपी मिल्क डालेंगे। सो फ्रेंड्स, मिल्क मिक्स करने के बाद देखिए ये हमारा नान खटाई का जो डो है कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम इसे छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे उतने से बैटर में मेरी टोटल 16 नान खटाइज रेडी हुई हैं। मैंने इसको छोटे छोटे पेड़े बना रखे हैं। अब मैं स्पून की हेल्प से कुछ भी आप अपने हिसाब से डिजाइनिंग कर सकते हैं। मैं ऐसे कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने इस तरह से कुछ नान खटाई के ऊपर स्पून की हेल्प से कुछ डिजाइंस बनाए। आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स भी लगा सकते हैं। अब मैं इस नान खटाई को 160 डिग्री पे ओवन को पहले प्री हीट करूंगी, फिर 15-20 मिनट्स के लिए इसे बेक करूंगी। सो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा केसर पिस्ता नान खटाई रेडी है। अब मैं इसे आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना क्रिस्पी बना हुआ है। इसे टेस्ट करते हैं। Wow, really out of the world, super yummy and delicious. Thanks for watching my channel.